नमस्कार मु अनिता स्वागत करुची आपण समस्तंको आम चैनल बिनोसेकु। आज आम बहुत ही टेस्टी एवं हेल्दी सुजी रे गोटे जलखिया प्रस्तुत करिबा जहाँ बनेबा बहुत ही सहज एवं खाइबा को बहुत ही टेस्टी। जदि आपण मानको आज रेसीपी भल लगे निश्चित वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे नि पाखरे थिबा बेल आइकन ने मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे आउ डेरी न करि आरंभ करिबा आज रेसीपी। बर्तमान नहीं जा गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल से मुझे गोटे कप सुजी मुझे एकदम फाइन सुजी नहीं चाहिए मोटा दाना वाला सुजी नहीं पारे। गोटे कप सुजी मुझे आधा कप दे दिली दही सहित स्वाद अनुसार लुण अल्प टिके देदेबा बेकिंग सोडा। ये सब जिनस को आम बिना पा दे भल भाव हाथ में चकटी नवा। आपण ये देखिपुट सुजी और दहीर गोटे डो रेडीगला बर्तमान आम आपको कवर करके अध घंटा छाड़दा स्टपिंग चलां। ये वेजिटेबल को काटिक रखी सब मिक्स करवा गाजर नहीं कटा पिज नहीं धनिया पत्र कंचा लंका नहीं अदा को ग्रेट कर टमाटो नहीं छड़ा कैप्सिकम नहीं मनपसंद वेजिटेबल ए पकईपरेंगे। जदि आपन को कौन से वेजिटेबल पसंद नुहे स्किप करें। गाजर को एवं अदा को मेटी ग्रेट करके नहीं बाकी सब जिनस को मो छोट छोट खंड करी काटी नहीं सब जिनस को गोटे बाउल देदे एदेब आम स्वाद अनुसार लुण ता सहित अदा छोट चमच देदे गोलमरीचर गुंड बहुत बढ़िया फ्लेवर आसव सब जिनस को आम भल भाव मिक्स करदे। स्टपिंग आमर ये रेडीगला बर्तमान ये स्टपिंग को आम सैड रखा। सुजी एवं दही को चकटिक रखिबार 30 मिनिट हो सारी आपड़ चाहिए 15-20 मिनिट यहाँ सेट हाँपाई छाड़ पारे। एमें कौन से पा यूज करे बर्तमान मुझे गोटे छोट चमच तेल हाथ में नहीं गली यहाँ भल भाव आगे चकटिक स्मूथ कर नवा। यहीटा को टू पार्ट कर एटी गोटे मुझे बेलना पेड़ी नहीं किसी तेल लगे नौ बेलना काठे में तेल लगे ने टू पार्ट्रु गोटे पार्ट इटे नहीं आसो बेलवा स्टार्ट करवा। बहुत ही इजिली यहाँ बेली हो जाए था देखते बेलना पेड़े किसी भी लगुनी यहाँ को गोटे आम स्क्वायर सेप बेलीदा कि गोटे लंबा सेप्र बेली नवा। बर्तमान ये लगेद पिज्जा सस् गोटे चामच आपत पिज्जा सस् आगे ग्रीन चटनी किंवा टमाटो केचप लगे पारे। पिज्जा सस् देवा द्वारा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसी था भल भाव स्प्रेड कर नवा सबुआड़े। बर्तमान आम जो वेजिटेबल को देखते ये गोल की रखी थे ये वेजिटेबल अधा मुझे और भल भाव आम स्प्रेड कर नवा। बर्तमान एम गोटे सैड्रु उठे आपको धीरे धीरे आम रोल करवा देखते यहपर दुई सैड को आम बंद करदे कि जो आम जो मसला स्टफिंग देखिए बाहर को न आसू आप देखिपे मुझे केमती तैयार करुच्चे देखते गोटे आमर होगा। बर्तमान मुझे गोटे स्टील लो गोटे स्टेनर जो थी मुझे तेल अलरेडी ग्रीस करपरिका सीझे सुविधा हम आपड़ चाहिए जेकोसी प्लेट रखिकी ताको स्टीम करें। देखो आउ गोटे डोट जो आम रखी ताकि तेल लगे ना और यह बेलिकी पिज्जा सॉस स्प्रेड करी एवं आम जो वेजिटेबल को मिक्स कर रखीचे स्प्रेड कर नवा एवं यह केयरफुली रोल कर नवा। देखु ये आम दुईटा जाक रोल रेडीगला गोटे इटिली छचारे मुझे पा गरम हाँपे बसई दे स्टेनरटा तार रखा सुविधा हुए आपसी कढ़ईरे कि स्टीम करने सुविधा हे से परिका स्टीम करे। मुझे 15 मिनिट यहाँ स्टीम कर कवर करके गैस्र फ्लेम मीडियम फ्लेम रे ही थिला ताको वर्तमान संपूर्ण ठंडा हाँपाई छाड़ा। बर्तमान आम छुंक प्रस्तुत कर नवा। मु गोटे तड़का पैन में 2 चमच तेल दे दिली तादे आधा चमच सोरस आधा चमच दे दूची धला राशि ता सहित भृसंग पत्र सब जिनस फुटीगला परे आम गैस बंद कर ओल्ह नवा। आम जो सुजीर रोल बनई रखी थे बर्तमान यहाँ थंडा ही बर्तमान आपको आम पीस पीस करके काटी नबा राउंड सेप्रे।
देखिपी बहुत बढ़िया आम जो वेजिटेबल मसला दे थे बहुत बढ़िया रोल भितर रही बर्तमान गोटे प्लेट रे या सजे नवा एवं आम जो छुंक प्रस्तुत करके रखी थे से छुंक को आपरे आम अल्प अल्प करदे ताकि यार टेस्ट आहुरी बढ़ी जीवो। तबे सूजी एवं वेजिटेबल सुपर टेस्टी जलखिया आम एटी रेडी सारी खावापी सूजी वेज रोल सहित आपड़ जेकोसी चटनी किंवा केचप सहित खाईपर बहुत ही टेस्टी लगे खायापी आशा करुच्ची आज रेसीपी आप समस्त निश्चित पसंद आसोटी पसंद आसी निश्चित लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करूँ मुझे आसबी नुआ रेसीपी सहित रोचे धन्यवाद।